कि अगर कोई भ्रष्टाचार का पैसा ईडी के पास आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ईडी के पास आता है, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे इस भ्रष्टाचार के पैसे को और इस मनी लॉन्डरिंग के पैसे को देश के गरीबों में बांटने का। उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं कोई ना कोई कानूनी रास्ता इसका निकालूंगा। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूं, ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्डरिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अगर आप इन भ्रष्ट कंपनियों का पैसा, इन मनी लॉन्डरिंग कर रही कंपनियों का पैसा देश की जनता में बांटना चाहते हैं, जनहित में बांटना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आईटी की रेड हुई, जिन पर सीबीआई की रेड हुई, जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई और जिन्होंने 2,741 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपको उसको बांटने के लिए, उसको जनहित में लगाने के लिए आपको कोई कानून नहीं चाहिए। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2,741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे, हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे। उदाहरण के तौर पे, और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी ने रेड किया उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। सबसे पहले और सबसे नामी शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको 10 नवंबर में 10 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर शराब कारोबारी शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये तो भ्रष्टाचार का पैसा हुआ, इनको तो ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो मोदी जी के अनुसार ये पैसा तो देश की जनता में जाना चाहिए, उनको तो कोई कानून नहीं रोकता। तो मैं आग्रह करूंगी कि आज ही जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये घोषणा करें कि जो 55 करोड़ रुपया शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है उनकी ईडी के गिरफ्तारी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी आज डिक्लेयर करे कि वो इस भ्रष्टाचार के पैसे को चुनाव में नहीं इस्तेमाल करेगी। दूसरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, जिस पर अप्रैल 2022, सितंबर 2022, जुलाई 2022, अप्रैल 2023 में ईडी की रेड हुई, इस फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो मैं चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे कि ये जो 52 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का, जो 52 करोड़ रुपए मनी लॉन्डरिंग का भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, वो उसे चुनाव प्रचार में नहीं खर्च करेंगे, वो उसे देश की जनता के बीच बांटेंगे। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, मार्च 2020 में
सीबीआई की यहां पे रेड पड़ती है और उसके बाद 105 करोड़ रुपया हल्दिया एनर्जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि आज घोषणा करे कि 105 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का जो उनके पास आया है वो अपने चुनाव प्रचार में नहीं खर्च करेंगे, वो गरीबों में बांटेंगे। इसी तरह से ये कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी है, चाहे इसमें फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, हल्दिया एनर्जी, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, चेन्नई ग्रीनवुड्स, वेदांता लिमिटेड, हेटरो ग्रुप, नवयुग इंजीनियरिंग, डॉक्टर रेड्डीज, माइक्रो लैब, हीरो मोटर कॉर्प, बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है उन कंपनियों की जहां पर आईटी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े और फिर भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी में गया। तो प्रधानमंत्री को देश में तो कानून लाना पड़ेगा इस पैसे को गरीबों में बांटने के लिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से वोट दीजिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जो पैसा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको गरीबों को देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आज आप घोषणा करिए कि भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में नहीं इस्तेमाल होगा और उस पैसे को हम देश के गरीबों में बांटेंगे। थैंक यू। ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.